नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ सूर्य अर्घ देने की आसान विधि। जानिए 14 काम की बातें। ओम गृणी सूर्याय आदित्य। वैदिक काल से सूर्योपासना अनवरत चली आ रही है। भगवान सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार है सूर्य देवता। सूर्य की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। नियमित सूर्य को अर्घ देने से हमारी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। बल, तेज, पराक्रम, यश एवं उत्साह बढ़ता है। आइए जाने सूर्य अर्घ देने के 14 काम की बातें। सूर्य अर्घ देने की विधि। सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शुद्ध होकर स्नान करें। तत्पश्चात उदित होते हुए सूर्य के समक्ष आसन लगाएं। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल लें। उसी जल में मिश्री भी मिलाएं। कहा जाता है कि सूर्य को मीठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के दूषित मंगल का उपचार होता है। मंगल शुभ हो तब उसकी शुभता में वृद्धि होती है। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्यागमन से पहले नारंगी किरणें प्रस्फुटित होती दिखाई दें, आप दोनों हाथों में से तांबे के पात को पकड़कर इस तरह जल चढ़ाएं कि सूर्य जल चढ़ाती धार से दिखाई दें। प्रातःकाल का सूर्य कोमल होता है, उसे सीधे देखने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। सूर्य को जल धीमे धीमे इस तरह चढ़ाएं कि जलधारा आसन पर आ गिरे, ना कि जमीन पर। जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाएगी और सूर्य अर्ध का संपूर्ण लाभ नहीं पा सकेंगे। अर्ध देते समय निम्न मंत्र का पाठ करें। ओम एहि सूर्य सहस्त्राश तेजोराश जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रणार्ध दिवाकर। ओम हीम हीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांचित फलम देहि देहि स्वाहा। तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें। अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।